चार बजते ही अपनी आवाज़ से सबको उठाने वाले मुर्गे को कौन नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुर्गे के बारे में। अगर आप मुर्गे के बारे में रोचक और अनोखी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, मुर्गी एक प्रकार की पक्षी है जिसका आकार अन्य पक्षियों की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। मादा को मुर्गी और नर को मुर्गा नाम से जाना जाता है। मुर्गियाँ भले ही पक्षी की श्रेणी में आती हैं लेकिन यह अन्य पक्षियों की तरह आसमान में नहीं उड़ पाते। मुर्गियाँ लाल, काली, सफ़ेद और भूरे रंग की हो सकती हैं। मुर्गे और मुर्गियाँ ज़मीन पर चलकर अपना भोजन ग्रहण करती हैं और इन्हें सर्वाहारी पक्षी की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें भोजन में दाने, फल, फूल, सब्जियां खाना पसंद है। इसके अलावा ये छोटे छोटे कीड़ों को खाना भी पसंद करते हैं। मुर्गियों का जीवन काल 5 वर्ष से 10 साल हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुर्गियां 24 प्रकार की आवाज़ें निकालकर एक दूसरे से बात कर सकती हैं और इनके हर एक स्वर का अलग अलग मतलब होता है। यह भी देखा गया है कि मुर्गी अपने पेट में पल रहे चूचे से भी बात कर सकती है। जंगली मुर्गियों और प्राकृतिक वातावरण मिले तो ये 5 से 11 साल तक बड़ी आसानी के साथ जीवित रह सकती है। इनकी याददाश्त इतनी तेज़ होती है कि ये अपनी प्रजाति की 100 मुर्गियों को अलग अलग पहचान सकती है। दुनिया के केवल 2 देश ऐसे हैं जहां पर मुर्गियां नहीं पाई जाती, वरना दुनिया के हर कोने के अंदर मुर्गियाँ देखी जा सकती हैं और वो देश है अंटार्कटिका और वेटिकन। मुर्गियाँ खेलना पसंद करती है और मौका मिलने पर ये इधर उधर दौड़ती कूदती और धूप सेकना भी पसंद करती है। मुर्गी हमारी तरह सारे रंग को देख सकती है। मुर्गियाँ नींद में सपने भी देखते हैं और सपने वैसे ही होते हैं जैसे हम इंसानों के होते हैं। वे हमारी तरह नींद के दौरान रैपिड आई मूवमेंट का भी अनुभव करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि 90% मुर्गियाँ अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, तब ये शिकारियों के हमले से बच जाती हैं। फार्म में रखने वाले ज़्यादातर चूचे कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाते क्योंकि पैदा होने से पहले ही उन्हें माँ से अलग कर दिया जाता है। मुर्गियाँ समय का भी अंदाज़ा लगा सकती है, इसके लिए वे सूरज की रोशनी का उपयोग करती है और आपने अक्सर देखा होगा जैसे ही प्रभात बेला होती है मुर्गा 4 बजे बोलना शुरू कर देता है। दुनिया भर में हर सेकंड में औसतन लगभग 9700 मुर्गियों को मार दिया जाता है। जिस तरह से हम इंसान जब बहुत तनाव में होते हैं तो हमारे बाल झड़ते हैं, ठीक इसी तरह तनाव के कारण मुर्गियों के पंख भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके पास पालतू मुर्गियां हैं तो आप इसका असर सीधे तौर पर देख सकते हैं। मुर्गी के बारे में क्या आपको यह पता है, मुर्गियों की 3 पलकें होती हैं। जी हाँ, मुर्गियों के शरीर में मनुष्य की तुलना में 15% अधिक पानी पाया जाता है। सूर्य की सहायता से ये अपने रास्ते का भी पता लगा सकती है, इससे उन्हें भोजन और पानी खोजकर वापस आने में कोई परेशानी नहीं होती। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन्हें धूल से नहाना बहुत पसंद है और इससे इनको फ़ायदा भी मिलता है। इससे परजीवी नष्ट हो जाते हैं और इनके पंखों में इंसुलेशन बना रहता है। जी हाँ, मुर्गियाँ पानी में आराम से तैर सकते हैं लेकिन ये आमतौर पर गहरे पानी से बचते हैं। इनके द्वारा सबसे लंबे समय तक उड़ने का रिकॉर्ड 13 सेकंड का निर्धारित है। मुर्गियां सर्वाहारी होते हैं और एक मुर्गी अपने कच्चे अंडे को भी खा सकती है यदि वह अपने आहार से संतुष्ट नहीं होती। वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार एक दिन में मुर्गी द्वारा दिए गए सबसे अधिक अंडों की संख्या 7 है। वहीं एक वर्ष में मुर्गी द्वारा दिए गए अधिकतम अंडों की रिकॉर्ड संख्या 371 मापी गई है। जैसे जैसे मुर्गियां बड़ी होती जाती हैं वे बड़े अंडे देती हैं लेकिन उम्र के साथ साथ अंडों की संख्या कम होती जाती है। एक मुर्गी को अंडे का उत्पादन करने के लिए केवल 26 घंटे लगते हैं और अंडे को सेने के लिए 21 दिन का समय लगता है। एक मुर्गी को 1 दर्जन अंडे देने के लिए लगभग 2 किलो भोजन करना पड़ता है। इनके द्वारा अधिकांश अंडे
आमतौर पर सुबह 7 से 11 बजे के बीच में दिए जाते हैं। मुर्गियां अपने चूचों को यह भी सिखाती है कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मुर्गी के बारे में जानकारी यह भी है कि एक शोध में पाया गया है कि अगर मुर्गियां शास्त्रीय संगीत सुनती है तो वे बड़े और भारी अंडे दे सकती हैं। कुत्ते और बिल्लियों की तरह एक मुर्गी भी अपना नाम पहचान सकती है। मुर्गियां लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। एक मुर्गे का दिल 220 से 360 बार प्रति सेकंड धड़कता है। जब किसी मुर्गे का सर काट दिया जाता है तो वह बिना सिर के एक फुटबॉल के मैदान जितना दौड़ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप मुर्गियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। जी हाँ, देसी मुर्गियों की अगर नस्लों की बात की जाए तो ग्राम प्रिया, श्रीनिधि और वन राजा नस्लें सबसे मुख्य हैं। इनमें ग्राम प्रिया नस्ल की मुर्गियाँ मीट और एग, इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। इनका मीट तंदूरी चिकन बनाने में अधिक प्रयोग में लाया जाता है। ग्राम प्रिया मुर्गी एक साल में लगभग 219 से 225 अंडे दे सकती है। मुर्गी पालन का काम करने वाले लोगों से पता चला है कि प्रत्येक प्रदेश के अंदर अलग अलग नस्ल के मुर्गे और मुर्गियां पाई जाती हैं। अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा पंजाब ब्राउन नस्ल का प्रयोग किया जाता है। अंडेमान और निकोबार की बात की जाए तो वहाँ निकोबारी नस्ल के मुर्गे व मुर्गियाँ पाली जाती हैं। आसाम के अंदर मीरी नस्ल के देसी मुर्गों का प्रयोग किया जाता है। वहीं जम्मू व कश्मीर के अंदर कश्मीर फेविरोला नाम के नस्ल का प्रयोग किया जाता है। मुर्गी पालकों का कहना है कि 1 किलो चिकन का औसतन रेट लगभग 200 रुपये प्रति किलो होता है, तो 40 दिनों बाद 2 किलो का एक चूचा करीब 400 रुपये का हो जाता है। इस दौरान एक चूचे की देखरेख और खान पान पर करीब 150 रुपये खर्च आता है। ऐसे में अगर मुर्गी पालक 1500 चूचे पालते हैं तो 40 दिनों बाद लगभग 6 लाख रुपये के वो हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको एक व्यवसाय के तौर पर भी लोग अपना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। ये वीडियो महत्वपूर्ण है हमारे आसपास के रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप अपने बच्चों को इन वीडियो को ज़रूर दिखाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि समय समय पर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।